Ladies and gentlemen, first of all, welcome to Air Force Station Jodhpur, which is central to our air defense of the desert sector. And it is a very scenic place, and this is where we have decided to conduct the second phase of the exercise of exercise AviaIndira. As you are aware, the first phase was conducted in Russia. And because of the commonality of equipment between the two forces, we are having this exercise with the Russians is done without either side getting its flying platforms. We fly in each other's platform because of commonality of equipment. During the exercise, in whatever briefing I have got till now and I have seen, that there is a lot of learning experience. We learn a lot from each other. And of course, like I had said earlier also, that they are the original equipment manufacturers of most of the equipment that we use in the Indian Air Force. In the, you know, like we are flying with AN-32s, we are flying with helicopters, Mi-17s, as well as the Su-30 MKI, that is what is flying right now. So we have a lot of commonality and we learn a lot from each other, and we hope that these exercises continue to grow in the scope and size in the future. And it's a unique exercise and we must continue to do so. Thank you and Jai Hind. Any questions you have to ask, please ask. Aapka naam aur organization thoda bata dijiye. Wo mic dena nahi hai. Hawai jahaz ke awaaz sun sun ke mere ko sunai kam deta. Jee news se hu main. Haan. GSLV-11 जो लॉन्च होने जा रहा है उससे कितना फायदा है एयरफोर्स को? बहुत ज़्यादा फायदा है. अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे जो वाइस चीफ हैं वो गए हैं GSLV-7 का लॉन्च देखने के लिए, और इससे हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको हमें बहुत फ़ायदा होगा. और हमारे कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके पास क्षमता है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो सके, तो वो चाहे देश में कहीं भी उड़ रहे हों, आप दिल्ली या जहाँ पे भी आपका सेंट्रल नोड है उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. और ये जो कम्युनिकेशन टू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द सैटेलाइट विल बी मेड पॉसिबल विद द GSLV. इट इज़ अ ट्रिमेंडस जंप इन आर नेटवर्किंग कैपेबिलिटी. नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़. चीफ, मेरे दो सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं. पहले सवाल ये है कि जब हम ये AviaIndira एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी दौरान में हमारी अमेरिका के साथ भी कोप 2018 एक्सरसाइज हुई थी, तो मेरे सवाल ये है कि इन दोनों सुपर पावर्स के साथ एक्सरसाइज करके क्या हम लोग कोई बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं या फिर ये हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरत है? और दूसरा सवाल ये है कि हाल ही में नौसेना प्रमुख जो कि चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उन्होंने एक बयान दिया कि एयरफोर्स थिएटराइजेशन और इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में है, रिजर्वेशंस है. इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में भारतीय वायुसेना जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं थिएटराइजेशन के लिए, थिएटर कमांड के लिए, उसके अगेंस्ट में है? ओके, फर्स्ट इज एक्सरसाइज कोप इंडिया जो हमने किया वहाँ पे कलाईकुंडा में अमेरिका के साथ, और AviaIndira जो हम यहाँ पे रशिया के साथ कर रहे हैं. पहले इन दोनों का कोई लिंक नहीं है. इट सो हैपन्स दैट दे आर अराउंड द सेम टाइम. हमने ये सुपीरियर दो साल पहले प्लानिंग नहीं की हम दोनों एक साथ करेंगे, नहीं. इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्सेज. हमारा एक्सरसाइज कब हुआ ये तो कोप इंडिया डिसाइडेड एंड AviaIndira ऑल्सो हैज बीन डिसाइडेड इन द सेम मैनर. दोनों के स्कोप में काफ़ी फर्क है. जैसे आप देखोगे कि जो कलाईकुंडा में एक्सरसाइज हुआ है, इन दैट हमने वो अपने हवाई जहाज लेके आए थे और वो अपने हवाई जहाज उड़ा रहे थे, हम अपने हवाई जहाज उड़ा रहे थे, क्योंकि हम दोनों में वो कॉमनैलिटी नहीं है एक्सेप्ट C-130 जिसमें अगेन वी हैव कॉमनैलिटी, जो वहाँ से उड़ रहे थे एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह जो पानागढ़ होता था. तो बाकी दैट एक्सरसाइज इज एट अ डिफरेंट लेवल. इट इज़ एट उसका स्कोप डिफरेंट होता है क्योंकि हम उनके साथ एक्सरसाइज काफ़ी देर से पहले से कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और रशिया के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो उसका डिफरेंट लेवल और डिफरेंट स्कोप होता है. यहाँ हमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स कॉमन है, और हम कॉमन प्लेटफॉर्म को मीन्स
आपका जो खर्चा होता है हवाई जहाज ऑल द वे वहां ले जाने के लिए या उनका खर्चा होता है, ये हमारा खर्चा नहीं है, वहीं के हवाई जहाज उड़ा के एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैट इज अ मेजर। इट इज नॉट आई एम नॉट इट इज नॉट एयरफोर्स इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी पोलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट। वी आर नॉट आई मीन दैट इज नॉट वी आर नॉट डूइंग दैट। सेकेंड कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ थिएटराइजेशन। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली जो होता है ना कि नेवल चीफ ने क्या नेवल ना इफ यू नेवल चीफ ने इतने सारी बातें बोली, आप एक बात लेके उसका सुर्खी बनाते हैं, हेडलाइन बना देते हो। मैं उनका पूरा ट्रांसक्रिप्ट है मेरे सामने, देखो उन्होंने क्या लिखा है कि एज फार एज थिएटर कमांड गोज, फर्स्ट वी नीड अ हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन प्लेस इन न्यू दिल्ली बिफोर यू कैन थिएटराइज। द थ्री सर्विस चीफ कैनॉट बी थिएटर कमांडर, यू नीड वन ऑपरेशनल कमांडर। सो फर्स्ट यू नीड अ हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू दिल्ली Before we can think of theater command, that was his first statement. उसको तो आप भूल गए। आप next statement पे आ गए कि you know you are right, the three services are not in agreement. Theater command, Air Force not agreement. Air Force की theater command को हम we are not against integration. By all means we need to integrate. And what we are saying is we need to integrate at the national level. अभी ये जो Su-30 aircraft उड़ रहा है यहाँ पे जोधपुर में उड़ रहा है, ये aircraft यहाँ से हम ऊपर रिफ्यूलिंग करके इसको सियाचिन में भी यूज कर सकते हैं। यही जो एयरक्राफ्ट है इसको हम रिफ्यूलिंग करके दोकलम में भी यूज कर सकते हैं। तो अब आप इस एयरक्राफ्ट को कौन से थिएटर में डालोगे? और हमारे कई एसेट्स ऐसे हैं जैसे एवैक्स हो गया, रिफ्यूलर हो गए, उनके हमारे नंबर इतने कम हैं कि अगर हम वो किसी थिएटर को दे दें तो बाकी लोग क्या करेंगे? अगर आप कहोगे कि नहीं वो सेंट्रल कंट्रोल करो और एज पर रिक्वायरमेंट दे दो, उन्होंने अपना पूरा प्लान बनाया उसे खींच के मैं किसी और को दे दूं, तो देन द कंट्रोलर बिकम्स हु? कंट्रोलर बिकम्स द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग एट द नेशनल लेवल, एपेक्स लेवल। इसीलिए हमने कहा है कि पहले आप इंटीग्रेट नेशनल लेवल पे करिए बिफोर वी कैन गो डाउन टू द थिएटर लेवल। ऐसे ही आपको पता है हमारे पास 42 फाइटर स्क्वाड होने चाहिए, अभी सिर्फ 31 है। आप उनको भी बांट दोगे तो फिर हम ये तो हमें मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज गगन शक्ति को देखिए, एक्सरसाइज गगन शक्ति में हमने क्या किया? पहले हमने 3+1 स्टैंड बाय डे में हमने वेस्टर्न सेक्टर को एक्टिवेट करके पूरा वहां फ्लाई किया, फिर वही फोर्सेस हमने शिफ्ट करके 48 आवर्स में वी ऑपरेटेड इन द ईस्टर्न सेक्टर। अगर आप उसको वेस्टर्न थिएटर ईस्टर्न थिएटर कर दोगे, हम तो कहते हैं कि देयर इज वन थिएटर, इंडियन थिएटर, एंड दैट थिएटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज ऑल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द नेवल चीफ हैज ऑल्सो सेड। अनफॉर्चुनेटली उसको इंग्लिश में टर्म है चेरी पिकिंग करते हैं हम। आपने एक कर दिया कि या इसका बहुत अच्छा हेडलाइन बनेगा कि एयरफोर्स अपोज है। एयरफोर्स क्यों अपोज है? अगर एयरफोर्स अपोज होता तो जो हमारा कमांड है, इंटीग्रेटेड कमांड है वहां पे अंडमान निकोबार, एयरफोर्स वॉज द फर्स्ट सर्विस विच सरेंडर्ड ऑल इट्स लैंड टू इंटीग्रेटेड कमांड। एयरफोर्स वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सर्विस दैट गेव ऑल द डिसिप्लिनरी पावर्स टू द कमांडर ऑफ अंडमान निकोबार। ही हैज गॉट सेम पावर्स दैट माय वेस्टर्न एयर कमांड सीएनसी हैज गॉट, एंड दैट इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड कमांड। नाउ अंडमान निकोबार कमांड में तुक बनता है, क्योंकि आपने अगर फोर्सेज अंडमान निकोबार में डाल दिए उसको आप सियाचिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वहां पर बन जाते हैं। तो यस, दैट इज वेरी फार जोग्राफिकली एंड इट फॉर्म्स अ थिएटर। अब यहां पर आप अगर काटना शुरू कर दोगे तो आई विल लूज ऑल माई फ्लेक्सीबिलिटी। ये अभी इस एक्सरसाइज के लिए वो पूना से हो जाए जा जाते हैं। अब वैसे तो कहो कि नहीं वो पूना किसी और थिएटर का, ये कहाँ से घूम रहा है? इट इज नॉट लाइक दैट। आर रीच इज क्वाइट गुड, एंड गिवन द साइज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लाइक एग्जैक्टली व्हाट द नेवल चीफ हैज सेड, वी नीड टू फर्स्ट डू इट एट द नेशनल लेवल। लेट द माइक कम टू यू। हाँ, थोड़ा नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीवत्स है, मैं News 24 से बोल रहा हूँ। रफेल को लेके बहुत सारे विवाद होते हैं, शायद आपको भी बहुत गंदा लगा होगा उस वक्त, बहुत खराब होगा क्योंकि उस वक्त सेना की जरूरत थी। अब सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ क्लियर हो चुका है, थोड़ी राहत है क्या? आपको लगता है रफेल जरूरत थी? रफेल किसने बोला नहीं जरूरत है? सरकार ने बोला जरूरत है, हम बोल रहे हैं जरूरत है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया है और उसमें भी बोला गया है कि एयरफोर्स को जरूरत है, कि इतना टाइम लग गया हम लोगों को एयर आने के लिए, तब तक जो हमारे रीजनल एडवर्सरीज हैं या जो नेबर्स हैं जो भी है, उन्होंने अपने अपग्रेड कर लिया और हमारा नहीं हुआ। तो इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वेरी फाइन जजमेंट,
And I'm not going to comment on the Supreme Court judgment because a very fine comments have been given by the Honorable Finance Minister and the Honorable Raksha Mantri. क्या वायुसेना को भी बुरा लग रहा था जब इसे लेके पॉलिटिकली विवाद हो रहा था? नहीं, वायुसेना ने अपनी बात है वो आगे दो बार हमने अपनी बात रखी. जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो हमने क्लैरिफाई किया था. एक हमारा सेमिनार हुआ था दिल्ली में ऑन फोर्स स्ट्रक्चर प्लानिंग. उसमें जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों हमें इतने स्क्वाड चाहिए, क्या चाहिए और रफाल इसमें कौन सा स्पॉट भर रहा है, उसमें हमने आंसर किया. और 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे से पहले मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें भी मैंने आंसर कर दिया. तो उसकी जो पॉलिटिक्स है दैट आई विल नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट बिकॉज दैट्स अ सेपरेट इशू. बट टेक्निकल रिक्वायरमेंट आई डोंट थिंक देर इज अ एनी टेक्निकल आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द एयरक्राफ्ट एज सच. आई थिंक दैट एवरीबडी इज अग्रीइंग दैट इट्स अ गुड एयरक्राफ्ट एंड वी नीड इट गिवन आवर स्ट्रेटेजिक सिनेरियो. डीडी वैष्णव, सर, मैं फाइटर आने तक अपनी ऑपरेशनल तैयारियों पे कैसा असर पड़ रहा है इस बारे में आप बताएं, और राफेल के आने के बाद में अपनी कितनी क्षमता बढ़ जाएगी ये बताएं. नहीं, वो जो ऐसा है कि हमारे नंबर कम हो रहे हैं जैसे हमने आपको बताया, तो हम उसको किसी तरह से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें. जो हमने एक्सरसाइज गगन शक्ति में करके दिखाया कि हमने इन 6 दिनों में 6 डेज में हमने कम से कम 11,000 सॉटी उड़े हैं. एंड फर्स्ट जो हमारा सर्ज वेव था वेस्टर्न सेक्टर में उसमें हम 7,000 सॉटी उड़े हैं. तो उसमें हमने क्या किया, सर्विसबिलिटी बढ़ाई, पायलट बढ़ाए ताकि मशीन 24 घंटे उड़ता रहे. पायलट तो दिन रात एक दो दिन के बाद नहीं कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ एक्रू इंक्रीज, 48 ईयर से नीचे देने पायलट थे सबको हमने स्क्वाड में भेजा कि आप रिवैलिडेट करो ताकि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सको, लड़ाई में लड़ सको. सो दैट इज अ मेजर दैट वी हैव टेकन, यू नो दैट इज आर प्लान बी, दैट हाउ विल वी कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ नंबर्स इन केस इट इज रिक्वायर्ड. रफाल मैंने एयरफोर्स डे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, इट इज अ गेम चेंजर, इट इज अ डिफरेंट लेवल. And when it comes into the subcontinent and in this particular sector, it will be the most advanced aircraft. और जैसे आपको पता होता है कि normally आपके पास अगर कम advanced aircraft होता है तो आपको advanced aircraft के खिलाफ 2 या 4 हवाई जहाज भेजने की जरूरत होती है. And similarly अगर आपके पास सबसे advanced aircraft होता है, उसके avionics missiles combination अच्छे होते हैं, तो दुश्मन को आपके खिलाफ 3 से 4 हवाई जहाज भेजने पड़ते हैं. तो आप उसके ज़्यादा नंबर खा सकते हो, यू नो दैट वे. सो इट इज अ गेम चेंजर, इट इज अ वेरी एडवांस प्लेटफॉर्म एंड इट इज वी हैव मेड श्योर इन दिस 36 एयरक्राफ्ट डील वी गेट द बेस्ट सिस्टम्स ऑन बोर्ड सो दैट इट काउंट्स. दैट इज व्हाई, दैट इज द रीजन. स्क्वाड्रन कम हुई है, जहाज कम हुए हैं, तो इसका पायलट की ट्रेनिंग पे क्या असर हो रहा है? नहीं, पायलट की ट्रेनिंग में जो हमारे पायलट ट्रेनिंग इज इंडक्शन इनटू द स्क्वाड्रन, वो इंडक्शन इनटू द स्क्वाड्रन तो किसी और वजह से हो रहा है. इसमें हमारा क्या है कि हमने अपने पायलट्स जितने स्क्वाड्रन में हैं उनकी ट्रेनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा. बट यस, नंबर ऑफ पायलट्स दैट वी हैव ट्रेनिंग ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट आर लेस. सो द पीपल हु हैव कम आउट, जो अभी स्टाफ ड्यूटीज पे लगे हुए हैं, उनको हम रीवैलिडेशन देके वी आर पुटिंग देम बैक इन द कॉकपिट so that they are available for war. मैं इंडिया न्यूज से ललित परियार हूँ. हमारे पास में राफेल अब आया है, 2 साल से चाइना के पास में Su-35 है, हम भी शायद 35 खरीद रहे हैं. क्या 35 और राफेल की कोई तुलना है या हम उनके बराबर आ गए? उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा जो 114 एयरक्राफ्ट का जो डील है उसमें दोनों Su-35 भी है और राफेल भी है. तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा कि कौन अच्छा है कौन नहीं. वो इवैल्यूएशन होगा तो उसमें निकल आएगा कि कौन अच्छा है और कौन, विच वन इज बेटर. यस मैडम, रफाल सितंबर से डिलीवरी शुरू है. इट विल स्टार्ट कमिंग इनटू आवर इन्वेंटरी नेक्स्ट ईयर.
नहीं राजस्थान सेक्टर में दिस इज टैंक कंट्री. ये बॉर्डर मूवी यहीं पे हुई थी लोंगेवाला में. बहुत इट इज टैंक कंट्री. इट इज दोनों साइड के लैंड फोर्सेस के पास काफ़ी आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स है. सो जोधपुर इज इम्पोर्टेंट, सो इज जैसलमेर एंड सो इज उत्तरलाई. आप ये मत देखो कि यहाँ पे पीस टाइम में कितने स्कॉन्ड हैं, दैट डजंट मैटर. मैटर क्या करता है कि वॉर टाइम में यहाँ पे कितने स्कॉन्ड हो गए. दैट इज द एंड आई कांट डेलिबरेट ऑन दैट बिकॉज दैट इज अ क्लासिफाइड सब्जेक्ट. पर अगर आप जोधपुर में थे गगन शक्ति में, आपने देखना था कि यहाँ फ्लाइंग कितनी हुई, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है. सर एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं चीफ, जो इतने युद्धाभ्यास हो रहे हैं चीन रूस सिंगापुर सबके साथ, इसका फायदा क्या होगा आने वाले समय? इससे हम जो हम एक्सरसाइज करते हैं इंटरनेशनल एक्सरसाइज, उससे हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलती हैं कि वो लोग कैसे करते हैं और हम कैसे करते हैं. इससे लर्निंग कर्व, हमेशा हर कंट्री के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारा एक लर्निंग कर्व होता है. देयर आर सम थिंग्स दैट वी डू बेटर देन देम, देयर आर सम थिंग्स दैट दे डू बेटर देन अस, एंड ऑफ कोर्स इट होन्स आवर स्किल्स. ये जो आजकल का जो कॉम्बैट होता है, जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था तो व्हाट मैटर्ड गन टैक्टिक्स होती थी, व्हाट मैटर्ड वाज योर एबिलिटी टू स्पॉट द अदर एयरक्राफ्ट, योर एबिलिटी टू फ्लाई योर एयरक्राफ्ट टू एज क्लोज टू अ जीरो स्पीड एज पॉसिबल एंड ट्रैक एंड शूट. आजकल दुनिया बदल गई है. आजकल नॉट ओनली एयरक्राफ्ट की मैनूवरेबिलिटी है, उसके साथ आपके जो सिस्टम्स हैं और जो पायलट का कॉकपिट के अंदर सिचुएशनल अवेयरनेस है, ये ज़्यादा काउंट करता है एज कम्पेयर टू यू नो हमारे ज़माने में प्योर फ्लाइंग स्किल काउंटेड हेल ऑफ अ लॉट. आजकल आई एम नॉट सेइंग डजंट काउंट, इट डज काउंट, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट इट इज काउंट अर्लियर. सो ऑपरेटिंग ऑफ सिस्टम, हमारे पास अगर आप देखो तो फोर्थ जनरेशन फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के पास 1985 जब मिराज 2000 आया, उसके बाद MiG-29 आया, तो उसके टाइम से हमारे पास फोर्थ जनरेशन फाइटर, फिर Su-30 आया, तो हमारे पास तो अभी आए हैं. ये जो बाकी एयरफोर्सेज तो बहुत देर पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव लर्न सम थिंग्स दैट इज बेटर टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट ऑन आवर ओन. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज. सर मैं गजेंद्र सिंह पत्रिका से, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने जो नेबरिंग कंट्री है चाइना वगैरह, वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट पे वर्क कर रहे हैं और शायद उन्होंने डेवलप भी कर लिया है, और अपन लोग अभी जो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है राफेल उसी पे जूझ रहे, जदोजहद कर रहे हैं. 4.5 जनरेशन जी, राफेल 4.5 है, तो उसी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, वो अभी तक हमारे पास है नहीं, जबकि जो नेबरिंग कंट्री है वो फिफ्थ जनरेशन उनका जो है वो ठीक है, आप कह सकते हो फिफ्थ जनरेशन, बट क्लासिक सेंस में अगर आप हवाई जहाज को ध्यान से देखो और जो F-22 और F-35 के तुलना में उनको कंपेयर करो, आई डोंट कंसिडर इट टू बी फिफ्थ. इट इज ऑल्सो सिटिंग समवेयर क्लोज टू 4.5. ओके, एंड देयर लॉट ऑफ इश्यूज. इट इज नॉट ओनली एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, सुपर क्रूज कर सकता है नहीं कर सकता, रेडार क्या है, ओके उसकी क्या क्षमता है, योर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंटीग्रेशन क्या है, सो ऑल दैट इज देयर. एंड ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ देके बैठे हुए हैं. जो हमारा DRDO में हम LCA बनाएंगे, LCA Mark 1, IOC, FOC, देन वी गो टू LCA Mark 1A 83, देन LCA Mark 2, एंड देन वी गो टू AMCA. तो AMCA जो है हमारा इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, और AMCA विल बी डेफिनेटली J-20 से तो ज़्यादा ही स्टेल्थी होगा. सर मनोज ETV से, मेरा सवाल यह है कि जो अभी आपने बात की थी उसी का बढ़ाते हुए, थलसेना आजकल एयर कैवलरी भी ज्यादा काम कर रही है, क्या एयर कैवलरी पे, कैवलरी पे सॉरी एयर कैवलरी, हाँ एयर कैवलरी पे काम कर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में ये बढ़ेगी तो मिसाइल्स का युग आ जाएगा, तो वहाँ उस दौरान एयरफोर्स कितनी प्रभावित होगी उससे? नहीं, एयर कैवलरी के लिए अगर आपने एयर कैवलरी यूज करना है, जैसे कि अमेरिका ने वियतनाम में यूज किया, तो उसके लिए तो आपको टोटल एयर सुपीरियरिटी, यू हैव टू ओन द स्काई, क्योंकि हेलीकॉप्टर आर वेरी वल्नरेबल. अगर आप कंटेस्टेड एयर स्पेस में सोचते हो कि आप हेलीकॉप्टर यूज करोगे बिना उसके, देन इट इज नॉट पॉसिबल. आई मीन राइट नाउ इन आर सिनेरियो, गिवन द एयर डिफेंस ऑन बोथ साइड्स, कैपेबिलिटी ऑन बोथ साइड एंड द कंपेरिजन ऑफ फोर्सेज,
to use an air cavalry concept, that kind of domination of airspace is not there, at least unless you fight some 30-40 days war or something. Okay, it is not, right now in our scenario, we don't own the air the way the Americans own the air. Aap jab kisi aur desh ka aap copy karna chahte ho, pehle aap dekho wo kin paristhitiyon mein wo ladte hain aur hum kin paristhitiyon mein lag rahe hain. Hamare paas resources kam hai, to hame apne usse karna chahiye. To hamara contested airspace hai, उसमें इंटीग्रेटेड एयर बैटल होता है. आप अकेले कोई भी नहीं जा सकता, खत्म हो जाओगे. सर एक सवाल और है कि रफाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रफाल जैसे जो मुद्दे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में ज्यादा डिस्कशंस नहीं होना चाहिए. तो आपका भी क्या यही मानना है कि इस तरह के मुद्दों से अगर आते हैं प्रेशर ग्रुप्स, अगर इस्तेमाल करते हैं इन मुद्दों को, तो हमारी जो आधुनिकरण है, मॉडर्नाइजेशन है हमारी आर्म फोर्सेस का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है क्या? नहीं, आई विल नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, बट लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड टू अस आफ्टर बोफोर्स. आर्मी से पूछो, उनको बोफोर्स के बाद उनका क्या फर्क पड़ा, कितनी देर के बाद वो लोग गन इंडक्ट कर पाए. तो अगर आप किसी भी इस तरह के इक्विपमेंट को आप पॉलिटिसाइज करोगे, so it has an effect on the procurement process. It has an effect on the procurement process. There is no doubt to that. But my question is not that. By all means, it is the taxpayer's money. Everybody has a right to ask whether the money has been spent in the correct manner or no. And there is a CAG which is supposed to see and give a report to the parliament that the taxpayer's money has been well spent. Main ye bol raha tha ki agar aap har cheez ka नुकसान, आई मीन यू गिव डिटेल्स अबाउट एवरीथिंग इन द एयरक्राफ्ट, फिर दुश्मन को समझने में क्या रहेगा. हवाई जहाज तो आप देख के आजकल एयर शो में आपको काफी आइडिया हो जाता है कि उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी क्या है, उसके अंदर क्या है ये तो पता नहीं है ना. अगर आप सबका डिटेल दे दो कि इतने करोड़ में हमने ये किया, इतने करोड़ में ये किया, तो उसको पूरा पता है. इसके बाद ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये इतने करोड़ का ये नहीं है शायद इसके पास. आप बताओ कि क्या आप वो दुश्मन को बताना चाहते हो. आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन. सर मैं योगेश शर्मा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको काफी समय हो गया है तो वायुसेना में काम करते हुए, तो क्या आपको लगता है पिछली सरकार इस सरकार की काले शैली में डिसीजन में कोई अंतर है? हाँ, दैट्स वेरी लोडेड पॉलिटिकल क्वेश्चन. मेरे को 40 साल हो गए एंड the government is always very alive to our needs and they always very positive to meeting our responses. That's all. Sir, Phalodi airbase par kab tak fighter squadron aa jayenge? Phalodi, like I told you, Phalodi har airbase mein peace time mein mat dekhiye kitne, abhi to hamare 31 squadron mein 42 to hai nahi, har jagah kahan aa jayenge? Sir Tejas. नो नो, ऐसी बात नहीं है. तेजस बन रहा है ना, अभी जैसे कॉम्प्यूटर में रेज होगा फिर मूव करेगा. आपकी अगर आपने एयरबेस बनाया तो लड़ाई में कोई ना तो कोई तो होता है वहाँ पे. आपने गगन शक्ति में देखा था, वहाँ पे तेजस ऑपरेट कर रहे थे, तो कोई ना, ऑफकोर्स आपने एसेट क्रिएट किया है तो वहाँ आएगा. लाइक आई टोल्ड यू, डेजर्ट सेक्टर के लिए हमारे पास फलोदी है, उत्तरलाई है, जैसलमेर है, यहाँ पे डेप्थ में जोधपुर है, एंड सम ऑफ आर बेस्ट surface to air missile systems are coming into this sector, so we give it a lot of importance, lot of importance. Sir, Chinook aur Apache ka induction kab tak hoga? Next year, I think March, April or something. I'll thank you very much. May I now request the chief to kindly make his closing remarks. Thank you, ladies and gentlemen. First of all, please for this exercise coming and covering exercise Avia Indra. I don't know, no matter what, where I go, end mein wo घूम के रफाल पे ही पहुंचते हो आप लोग. दो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एक्साइज एवियाइंद्र, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू, एंड यू कैन सी द विजिबिलिटी. आप देखो आसमान को देखो, स्काई को देखो, फ्लाइंग के लिए इट्स अ वंडरफुल वेदर, एंड द एक्साइज बीन कंडक्टेड इन अ मैनर विच इज बेनिफिशियल टू बोथ कंट्रीज, एंड द बोनहॉमी between the air crews, though we speak through an interpreter, is
been tremendous. And not only that, Jodhpur mein aane ka ye bhi fayda hota hai unko ki sirf air force aur flying nahi dekhte, wo hamare Rajasthan ke culture ko dekhte hain, wo heritage hotel mein reh rahe hain, unko bahut acha lag raha hai ki Rajasthan ki unko sabhyata ka pata chal raha hai. So it's a good, it's a win-win situation for all of us. Thank you and Jai Hind. Thank you very much, sir. Thank you for being here. Kindly join us for